गायिका प्रेमी सजनों, एक रागनी कहने का मौका मिला मंच के माध्यम से, और रागनी होगी शहीद आजम भगत सिंह की। और आज बड़े खुशनसीब हैं हम लोग कि जिनकी बदौलत आज हम खुली सांसें ले रहे हैं, जी रहे हैं। क्योंकि बताते हैं प्रेमी सजनों कि राजगुरु सुखदेव भगत सिंह कि राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को जब फांसी हुई थी तो वे भी 21-22 वर्ष के थे, और उन्होंने आप लोगों को आजादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था सिर्फ देश के लिए। और रागनी होगी कि जब भगत सिंह को फांसी का ऑर्डर दिया जाता है और एक कारावास में डाल दिया जाता है, तो भगत सिंह की माँ विद्यावती भगत सिंह को मिलने जेल में जाती है और कहने लगी कि भगत सिंह कि डरने की कोई बात नहीं है, तू तो ऐसा काम कर रहा है कि तुझे जन्मों जन्मांतर तक इस भारत देश में याद किया जाएगा, तेरे गीत गाए जाएंगे। और कहने लगी कि जब लिखा परदेश किस्मत में तो वतन को याद क्या करना, कि जब लिखा परदेश किस्मत में तो वतन को याद क्या करना, और जहाँ हो बेदर्द हाकिम वहाँ पर याद क्या करना। और आएगा एक बात के द्वारा भगत सिंह की माँ क्या कहती है इस रागनी के माध्यम से सुनेंगे। आओ गुरु जी, बात जरूर कहना चाहूंगी कि आप लोग उनकी तरह अपनी कुर्बानी तो नहीं दे सकते, लेकिन उन शहीद आजमों को याद जरूर कर सकते। तो एक बार दोनों हाथ बिल्कुल सीधे सीधे उठा लीजिए सिर्फ उन शहीद आजम के लिए कि जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ नौछावर कर दिया और मौत के हिस्से चढ़ गए। तो एक बार जय घोष कीजिएगा उनके नाम से, बोलिए भारत माता की। और आइए अब किस प्रकार से भगत सिंह की माता के नाली हमारे बड़े सम्मानीय ताऊ जी सुरताराम जी बुदानिया से 100 रुपए से इन छोटे छोटे कलाकारों का सम्मान करते हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, जोरदार तालियों। और धन्यवाद एक बार उन देशभक्तों के लिए कहना है हो जय भारत की जय। Oh!
में है। एक बात आपके लिए कह दो, बुरा मत मानना, नहीं एक ही सुन लो कि कहते हैं क्यों क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के लिए, कि क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के लिए, ऐसे तो जगह नहीं मिलेगी दो गज दफन के लिए। अगर मरोगे मेरे वतन के लिए तो ये हसीना ही भी दुपट्टा उतार देगी तुम्हारे कफन के लिए। ताली बजा दो, मैं जोर लगाता हूं।
बहुत अच्छे हैं। Yeah.